हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूँ निशा और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है राजीव ठाकुर। और इनके नाम के सामने जो है हमें एक ही चीज नजर आती है, कॉमेडी, हंसाना। बट अभी हाल ही में इनकी एक सीरीज आई है जिनमें ये काफी ज्यादा सीरियस रोल करते नजर आए हैं, जो कि हमने देखा वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। तो चलिए जानते हैं इन्हीं से कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था। सर, पहले तो बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत इसी से करेंगे कि बहुत इंटेंस रोल था एंड आपका एक इमेज है कि कॉमेडी, लोगों को हंसाना, तो इतना सीरियस रोल करना, कितना प्रेशर फील कर रहे थे और ऑडियंस का किस तरीके से रिएक्शन रहा आपका? प्रेशर तो मुझे लगता है जब आप ऑडिशन देने जाते हो उस वक्त ज़्यादा होता है, राइट? कि मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ, ऑडिशन देने जा रहा हूँ, जिसका मतलब और मैं स्कूल में गया भी ऑलमोस्ट रिजेक्ट होना था, तो चलो दे आते हैं, होना तो रिजेक्ट ही है। तो जब मैं गया हूँ, ऑडिशन दिया है, तो मुकेश छाबड़ा जी ने पता नहीं कैसे सोच लिया कि अपन ऑडिशन करते हैं, तो उन्होंने ले लिया ऑडिशन। तो मैं देने चला गया, तो मैं सच में रिजेक्ट होने वाले मूड में, लेकिन उनको ऑडिशन पसंद आया। मैंने उसी वक्त अनुभव सर को भेजा, तो 2 दिन बाद मेरे को फ़ोन आया, तो हो गया है ये जो भी है। तो मैंने अनुभव सर से पूछा था एक बार, तो अनुभव सर बोले, कहते यार मेरे पास ऑडिशन आया, मैं बड़ा परेशान था कि भाई क्या हाल, मतलब मैंने कहते मुकेश को फ़ोन कर दिया कि ये राजीव है ना, कहते हाँ, फिर क्यों भेजा तूने इसका ऑडिशन, कहते क्यों क्या हुआ, अच्छा नहीं है, कहते अच्छा नहीं होता तो कूड़े में होता ना, राइट? बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं इसको इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कास्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 15 साल का बैगेज है इस बंदे पे कॉमेडी का। तो ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन पे जो मेरा सबसे मतलब लीड विलेन है, पता चले वो स्क्रीन पे आया और लोग हंस रहे हैं, या लोग ये उम्मीद में रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये हंसाएगा, तो करेक्टर खराब हो जाएगा। इतनी बड़ी सीरीज में, इतनी बड़ी चीज़ों में, मतलब ऐसा तो नहीं ये अकेला ही मेरी सारी सीरीज ख़राब करते। तो मुकेश ने एक ही बात बोली उनको, कि कहते पाजी अगर देखो बंदे ने ऑडिशन क्रैक किया है, तो अगर आप भी चांस नहीं दोगे तो इनको कौन देगा। तो फिर उन्होंने चूज़ किया, फिर करना तो ऑफकोर्स उनका जो ब्रीफ था, और एज एन एक्टर मैं 10-15 साल पहले थिएटर करता रहा हूँ, तो एक बार ब्रीफ मिल जाए तो फिर अपन उस स्किन को पकड़ लेते हैं ये है, लेकिन लोगों ने सिर्फ कॉमेडी में देखा इसलिए उनको पता नहीं। लेकिन जब मुझे याद है कि पहली बार ब्रीफ दिया, तो मैं समझ गया था कि मैं करेक्टर पुल तो कर लूँगा अच्छे से, लेकिन दिक्कत आई कि इन्होंने जो डेट्स मांगी वो डेट्स कपिल के पास थी, कि हम वर्ल्ड टूर कर रहे थे, अच्छा, अमेरिका जा रहे थे, तो मैंने मना कर दिया। फिर मुकेश का फ़ोन आया कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अब तू मना कर रहा है। मैं कहा यार ऐसे ऐसे डेट्स का होना, तो कहता शो छोड़ देना, ऐसे ही थोड़ी आएंगे, ये तो करता रहेगा कॉमेडी शो। मैं कहा नहीं, कपिल को नहीं छोड़ सकता, तो मेरी उसके साथ अलग, तो किस्मत से कपिल सुन रहा था, तो कपिल बोला क्या बात है, मैं कहा यार ये है, तो अरे करना, तो मैं कहा शो आगे ले जाते, तो उसने डेट्स आगे कर दी अपनी शोज की, लेकिन अटकना था तो अटके, इन्होंने शूट आगे कर दिया। तो अभी मैं सैटरडे संडे वहाँ पे शो करता था, मंडे फ्लाइट लेता था, इंडिया आता था, यहाँ शूट करता था, फिर फ्राइडे फ्लाइट लेता था, फिर वापस जाता था, फिर वहाँ शो करता था, फिर मंडे। सो शूट करने में काफ़ी हार्ड वर्क किया है इसको, और लोगों का तो ऐसा प्यार मिला है कि मैं शब्द नहीं है उनका थैंक्स कहने के लिए। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू गॉड, ऑल माई ऑडियंस जिन्होंने इतना प्यार दिया मतलब मेरे करेक्टर के लिए। सो मतलब जिसे कहते हैं कि फ्रूट, बहुत 1 साल 1.5 साल से मैं वेट कर रहा था, सो अब वो फ्रूट्स कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और मिल भी गया आपको। यस। तो सर, सीरीज मास्टरपीस है नो डाउट, बट आपका कोई फेवरेट पार्ट या कोई ऐसा सीन जिसे शूट करने के लिए आपको डिफिकल्टी फेस करी या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बन गया है? जो लास्ट शॉट है, जहाँ पे मैं एक फाइनल डिसीजन ले रहा हूँ, क्योंकि ये करेक्टर था जिसका मतलब सिर्फ अपने भाई को छुड़ा के लाना है, क्योंकि इसका बाप इसको नालायक समझता है कि भाई 6 साल से जेल में है और तूने कुछ नहीं किया उसके लिए, तो इसका ये बेसिकली पहला क्राइम था।
और भाई तो सब जानते हैं कि वो डेडली टेररिस्ट, तो इसने नहीं कभी किया हुआ था। वो जो लास्ट था ना, लास्ट शॉट मेरा क्लोजअप लगाया जो अनुभव सर ने, वो शॉट था जिसमें वो थकावट, वो मजबूरी, वो गुस्सा, वो सब कुछ एक ही बार में आपको बताना था। सो उन्होंने क्लोज इतना इतना पास में कैमरा रख दिया मेरे, कहते बोल अब। तो इतना पास कैमरा देके वैसे भी आप डर जाते हो, ये बात कही जाती है कि एक्टर को इतना पास कैमरा दे दो तो, लेकिन आई थिंक कि उस सीन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अक्लॉड मिल रहा है पब्लिक का, बहुत अच्छा। तो वही सीन था एक जो, और बेसिकली जो नेगोशिएशन का सारा पार्ट जो मनोज पावा सर के साथ है, सो दैट वाज अमेजिंग पार्ट। आपके जो को-स्टार हैं, यू नो, बहुत उम्दा एक्टर्स हैं आपके साथ साथ, उनके साथ बॉन्डिंग कैसा था और कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्किंग करने का? देखो हैरी है, बर्गर जो लड़का है, तो हम बेसिकली साथ हैं। और सबसे ज्यादा सीन थे मेरे विजय वर्मा सर के साथ जी, सो ही वाज सो कोऑपरेटिव। वो इतने, आप सोचो इंटेंस सीन चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी मेरी बात पे हंस देते, मैं इसमें क्या हंसने वाली बात है। जैसे कि एक हुआ कि जहाज का जब लैंडिंग था तो वो गिरना पड़ना था, तो हमने, अब बाहर डायरेक्टर सर बाहर है, हम जहाज में हैं, तो विजय सर ने एक रखा हुआ था वो वॉकी टॉकी, तो पूछते थे कि अनुभव सर मैं ऐसा देना है रिएक्शन, ऐसा करूँ ऐसा, तो मैंने कहा मेरे को बात करनी है, तो क्या, मैंने कहा सर वो मैं गन कहाँ रखूँ, कनपट्टी पे रखनी है या साइड पे रख दूँ, क्योंकि जहाज बहुत हिल रहा है। तो उनकी हंसी निकल गई बहुत ज़्यादा, विजय वर्मा, मैं क्या हुआ, कहता देखो एक टेररिस्ट पूछ रहा है मैं गन कहाँ रखूँ, मैं कहा आप सीरियसली दे रहे हो, मैं एज एन एक्टर पूछ रहा हूँ। तो वो किसी बात पर हंसते थे, मुझे याद है कि वो थोड़ी सी टोन पकड़नी थी तो उनको लगा ऐसे में तो दारा सिंह आ रहा तेरे में, तो फिर क्या होता था कभी भी सीन में वो बोलते थे कि ये दारा सिंह होगा तो कैसे बोलेगा, धर्म जी होंगे तो कैसे बोलेंगे, तो हम वो फन करते थे। अब सोचो इतने इंटेंस में, मतलब कई हों तो ऐसा सोचते हैं कि भाई स्किन में घुसे हुए हैं, तो ठीक है हम इन आउट होते थे करेक्टर में कि मज़ा करते थे फिर वापस आ जाते सीरियस। तो वो थे, और बाद में मेरे साथ मनोज पावा सर, कुमुद मिश्रा सर, और अब देवेंदु भट्टाचार्य सर, ये मेरे साथ थे जॉर्डन में। तो हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह पे इकट्ठे मिलते थे, तो उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, मतलब सीन हमारा एक भी नहीं था आमने सामने, लेकिन वो जो होटल में हमने ब्रेकफास्ट शेयर किया है उससे हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि अब हम एक दूसरे को, मतलब होता है फोन मैसेज ये सब कुछ। यू नो सर, कपिल शर्मा शो बहुत यूनिक रहा है एंड ऑडियंस ने एक थेरेपी की तरह उसको लिया है, बहुत भरपूर सालों से उसे प्यार देते रहे, लेकिन इस साल का जो कपिल शर्मा शो था उसका कोलैबोरेशन नेटफ्लिक्स के साथ हुआ, तो उसको काफी ज्यादा ना ऑडियंस ने क्रिटिसाइज किया कि चार्म नहीं रहा वो शो में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, चार्म नहीं रहा, मुझे लगता है कि जैसे आप नेटफ्लिक्स पे जाते हो लोगों को लगता है अब तो कुछ और बहुत बड़ा होगा, ये तो वैसे ही कर रहे हैं। हाँ। तो नेटफ्लिक्स को भी वही चाहिए था, लोगों को भी वही कपिल शर्मा चाहिए, तो जब आप वही सेम करते हो जैसे, तो उनको लगता है कि यार ये तो वैसा ही है, कुछ शायद चाम नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं था, शो इज द बिगेस्ट हिट नेटफ्लिक्स पे। सिर्फ मुझे लगता है जो टीवी की ऑडियंस थी ना, जो जैसे मेरे मम्मी डैडी, उनका क्या होता है कि उनको शायद अभी यूज टू नहीं है चीज़ों को लेके, उनको टीवी की आदत है, तो उनको लगता है यार मज़ा नहीं आ रहा, वो वाली बात हो जाती है। और क्या हुआ, शो कहीं आ नहीं रहा, मतलब अगर कोई क्लिक छोटा आता तो छोटे में किसी को क्या मज़ा आए, तो माइट बी दैट इज़ द रीज़न। लेकिन शो बहुत अच्छा चला है नेटफ्लिक्स पे, अब सीजन 2 आ रहा है उसी के लिए, क्योंकि उस शो ने उनको अच्छे रिजल्ट दिए, इसीलिए सीजन 2 आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चाम नहीं रहा वो नहीं, बल्कि अभी तो मुझे लगता है कि और अच्छे एक्टर्स आ गए हैं, सुनील ग्रोवर आ गया है, सो वी आर मोर बैंटर्स, मोर अपॉर्चुनिटीज कॉमेडी करने के लिए। सो सीजन 2 और ज़्यादा निखर के आएगा, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, एक तो 13 एपिसोड जिसकी आदत नहीं है लोगों को, इतना छोटा, अरे छोटा नहीं है ये, बड़ा ही है, क्योंकि वो तो 8-10 एपिसोड के सीजन बनाते हैं, उन्होंने फिर भी इसके 13 एपिसोड का सीजन बनाया है, तो शायद लोगों को इतने छोटे सीजन की आदत, इसलिए लोगों को लग रहा है। लेकिन जो सेकंड सीजन है इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इट्स गोइंग टू बी, मतलब वन ऑफ द बेटर सीजन।
अक्सर यू नो पहले एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के पास सिर्फ ऑप्शन रहता था टीवीज एंड मूवीज, बट अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया इंक्रीज हो चुकी है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं ऑडियंस के पास, वास्ट कंटेंट भी मिल रहा है। तो आपको आपकी क्या थॉट है, सोशल मीडिया एक सेलिब्रिटी के लाइफ पे कितना असर पड़ता है, उनके करियर को कितना एक्सपांड करता है? सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो गया और एक्सपेंड तो करता ही है, क्योंकि आज कोई टीवी देखे ना देखे, मतलब हर बंदे के हाथ में आप देख लो घूमते फिरते मोबाइल में चल ही रहा है। हाँ। तो इम्पोर्टेंट बहुत हो गया है और विजिबल होना बहुत ज़रूरी हो गया है, जो ज़्यादा दिखता है। लेकिन मुझे मेरा पर्सनल फील है कि हर वर्ल्ड अलग होता है। राइट। कि सोशल मीडिया के स्टार होंगे वो अलग है, टीवी के होंगे वो अलग है, फिल्मों के होंगे वो अलग है, ओटीटी के होंगे वो अलग है, मर्ज हैं सब आर्टिस्ट हैं। सो एक दूसरे के ऊपर वो थोड़ा बहुत आएंगे, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मैं सोशल मीडिया का स्टार बन जाऊं, तो शायद मैं उतना वक्त उसको दे नहीं पाऊंगा। मैं यूट्यूबर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि जो यूट्यूब के लिए मेहनत कर रहे हैं वो वहाँ पे रिसीव भी कर रहे हैं उतना एक्लॉड, उतना स्टारडम उनका। तो जो जहाँ पे मेहनत कर रहा है तो वो उसको वहाँ मिलेगा। सिर्फ हमें ये पहचानना है कि अलग तो नहीं हो रहे हम लोग, कहीं एक दूसरे की स्पेस में घुस के टेंशन तो नहीं ले रहे। थोड़ा सा सोशल मीडिया मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होने की वजह से परेशान भी कर रहे हैं। तो आप इसे कर्स मानते हो या फिर ब्लेसिंग? देखिए, कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग है, कुछ लोगों के लिए कर्स है, लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करो, ज़रूरत से ज़्यादा आप, मैं तो कहता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लो तो ख़राब है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लो तो ख़राब है। हर चीज़ की एक अच्छी लिमिट से अगर आप यूज़ करते हो तो वो ब्लेसिंग है। तो सोशल मीडिया भी सेम है कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हो तो इट्स ब्लेसिंग। कि मतलब आज किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, किसी आर्टिस्ट को ऊपर उठने के लिए शायद किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहना, अरे लाइक्स नहीं आए, अरे यार मेरा ये हो गया, मेरे को इतना हो गया, वो क्या हुआ कि दूसरों की चीज़ें देख के हम ज़्यादा परेशान होते हैं, अरे अरे उसका तो ये हो गया मेरा नहीं हुआ। उन चीज़ों को अगर अवॉइड करके हम इसको अच्छे तरीके से लें तो इट्स ब्लेसिंग, 100% ब्लेसिंग। सर, अभी आपने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के लाइक्स डिसलाइक को बहुत सीरियसली लेते हैं, बट समटाइम्स ऐसे क्या होता है कि एक्टर को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कोई भी चीज़ के लिए, आपने कभी ऐसे ट्रोलिंग का सामना किया है? आम ही होती रहती है। कोई ऐसा बहुत मैसिव आपको हिट किया नहीं? मैसिव क्योंकि मैं कभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा नहीं, सिर्फ मेरे को ट्रोलिंग का मतलब है कि कभी आप अच्छा काम भी करते हो तो लोग उस पर भी गलत बोल जाते हैं, वो हर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि आई अवॉइड पढ़ना, कि आपने अपना काम किया, आपने डाल दिया, जिसको देखना है देख ले, जिसको अच्छा कहना कह ले, बुरा आप उड़े मत, ज़्यादा ना अच्छा देखने की कोशिश करो ना बुरा देखने की कोशिश करो। अगर मुझे लगता है कि जो आदमी ट्रोल हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, कभी भी आपको लगता है किसी पोस्ट पे ट्रोल हो रहा है, अगर आपको वो पता चल जाता है पहली दो चार मैसेज से, मुझे लगता है उसी वक्त आपको मैसेज बंद कर देना चाहिए, उसी वक्त आपको वो मैसेज पढ़ने बंद कर देना चाहिए। नेवर टेक एनीथिंग नेगेटिव टू यू। अगर अच्छे आ रहे हैं आपको पढ़ने में अच्छे लगा तो पढ़ो, खोल के भी ये चीज़ के लिए अच्छे आ रहे हैं। सो वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ को अच्छे के लिए यूज़ करो। क्या होता है कई बार बहुत अच्छे से आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कई बार बिना वजह क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपकी गलती भी नहीं होती है। सो उस वक्त थोड़ी देर मुझे लगता है कि ब्रेक ले लेना चाहिए। डोंट ट्राई टू टेक नेगेटिव थिंग्स, मेरा ये मानना है। वापस सीरीज की तरफ आते हैं, बहुत मैसिव रिस्पॉन्स मिला, आपने ऐसा आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको और इस सीरीज को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा? सीरीज को प्यार मिलेगा ये मैं श्योर था, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी, 5 साल लगाए हैं नेटफ्लिक्स ने इसको बनाने में, बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत, बहुत कुछ इस पर लगा हुआ है। मुझे इतना प्यार मिलेगा ये मैंने जब सीरीज देखी उसके बाद लोगों को मैसेज किए, जब देखी मैंने तो ये समझ में आ गया कि कुछ तो अलग लग रहा है राजीव, तो लोगों को अच्छा लगेगा ये मैं श्योर था। लेकिन इस तरह से फटेगी ये सीरीज, मतलब इतनी बड़ी हिट जाएगी और इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, ये थोड़ा मेरे लिए मतलब सरप्राइजिंगली प्लेजेंटली हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ।
तो सीरीज को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है बट नेगेटिव भी मिला है, तो नेगेटिव लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? नेगेटिव दुनिया की हर चीज़ में है और लोगों को पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि कुछ भी बोलने से पहले आपको भी उस चीज़ों के बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए। जैसे मुझे नहीं पता है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मुझे मेरे करेक्टर के बारे में बताया गया, मुझे सिर्फ वही पता है। मुझे मतलब ये भी नहीं पता था जब हम सीरीज कर रहे थे कि नसीर साहब क्या कर रहे हैं, पंकज जी क्या कर रहे हैं। आई वॉज ओनली फोकस ऑन माई करेक्टर। तो सिमिलरली राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई करेक्टर। मुझे अच्छा मिल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी। मैंने वही कहा कि जब अच्छा मिल रहा हो तो देख लेना चाहिए, अगर यही नेगेटिव तो मैं शायद बंद करके सो गया होता। सो आई विल से कि दुनिया में बहुत मेहनत लगती है किसी चीज़ के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी। अगर कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है सो एप्रिशिएट, एप्रिसिएशन से बड़ा कुछ नहीं है। कहते हैं कि ज़िंदगी में जो आप बोते हैं वही पाते हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा हुआ है। और आज भी अगर आप बहुत सी किताबें पढ़ेंगे उसमें ये कहा जाता है कि जो आप दुनिया से लेना चाहते हैं वो दुनिया को दो। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार दीजिए, अगर आपको अच्छे वर्ड्स चाहिए अपने लिए तो दुनिया के लिए अच्छे वर्ड्स बोलिए, अगर आपको अपने लिए पॉजिटिविटी चाहिए तो दुनिया के लिए पॉजिटिव बोलिए। सो आई थिंक कि दुनिया से थोड़ी थोड़ी वो ये बातें समझ में आएंगी तो सब खुश हो। वेल सेड सर। एक सवाल ये पूछूंगी कि आपको इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए राइट, तो कभी कभी हमारा लो पॉइंट्स पे आता है, हाई पॉइंट्स पे आते हैं, लो पॉइंट्स पे आते हैं। उस टाइम पे आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए या खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या मंत्र या क्या लेसन फॉलो करते हो? मुझे लगता है कि मैं जब भी लो पॉइंट में जाता हूँ करियर वाइज, सो आई ट्राइड सम अदर थिंग्स। जैसे मैं टीवी पे मेरा जब लो पॉइंट आया सो आई स्टार्ट राइटिंग, मैंने कुछ फिल्में लिखनी शुरू कर दी, रख ली लिख के। जब कभी बननी होगी, जब खुद का चेहरा अच्छा हो जाएगा, लोग हम पे ट्रस्ट कर लेंगे कि हाँ इसके नाम पे चीज़ लिख सकती है, वो बना भी लेंगे। फिर मैंने स्टैंड अप लिखना शुरू कर दिया अपना, किताबें पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हो तो बहुत वाइड नॉलेज लेते हो, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। सो मुझे लगता है कि जब आपको लगे कि आपका कुछ एक चीज़ में फेस का टाइम गड़बड़ चल रहा है तो ट्राई टू गेट योर अदर आस्पेक्ट्स इन लाइफ, ताकि उस वही नेगेटिविटी से आप हटे, आप उस प्लस की तरफ जाना शुरू कर दें। आई स्टार्टेड स्टैंड अप, मैंने स्टैंड अप के अपने शोज लिखने शुरू कर दिए, बनाने शुरू कर दिए, करने शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है कभी भी लाइफ में इतना लो पॉइंट नहीं आता कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लो, वो जो थोड़ा उतार चढ़ाव आता है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेट जीते जाएंगे आप ही बोर हो जाएंगे अपनी लाइफ से। सो जैसे अब शायद अगर मैं इसी लेवल पे चला तो आज इतनी खुशी है वो नहीं मिली होती, अगर मैंने ये गोता ना खाया होता तो आज वो उतनी खुशी नहीं मिली। तो वो खुशी लेने के लिए थोड़ा सा गम होना भी जरूरी है, बैलेंस बनाना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। लास्टली व्यूअर्स जिन्होंने इतना ज्यादा आपको भर भर के प्यार दिया है उनको क्या कहना चाहेंगे? वेरी वेरी थैंकफुल। और मैं एक ही लाइन कहूंगा, देखें दूसरों को, दिखाएं जो अच्छा लगे बताएं, बुरा लगे तो प्लीज़ बताएं लेकिन अच्छे से बताएं। किसी को गाली निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी को ट्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अच्छे से भी बता सकते हैं अपनी चीज़ें तो सामने वाले को भी अच्छा लगे। डू लाइक दैट, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा आपको भी लाइफ में मिलेगा। सो हमेशा ट्राई कीजिए, प्यार दीजिए, खुशियाँ दीजिए, अप्रिसिएशन दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में भी वही सब कुछ आए। और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for giving us your time.